All right. यहां पर कितने लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो एमए या एमएससी कर रहे हैं? फैकल्टी ऑफ साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं? आर्ट्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर और क्या बचा? परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं उठाया? All right. Ladies and gentlemen, guys and girls, what do you want me to talk about? क्या बात करनी है? स्टूडेंट है, खड़े हो, क्या बात करनी है? आप कहते हैं मुझसे विश्वविद्यालय सुधरेगी के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए बैठिए। आप मैडम लाल शर्ट में, या हाँ हाँ क्या बात करना चाहते, आप चाहती हैं कि मैं किस विषय में वार्तालाप करूं? नेट की फेलोशिप कैसे मिलेगी? मैं चाहती हैं कि मैं बात करूं, कैसे बचेगी? कितने साल से नहीं बढ़ी? बिजी है, पूछ लेंगे। कितने साल से नहीं बढ़ी है? सदियों से नहीं, सदियों से। ऑल राइट, 10 साल से तो नहीं बढ़ी होगी। और किसी को कोई सुझाव? अभी आपका पड़ोसी बोल चुका है पीछे की तरफ से कोई लड़की। हाँ आप बताइए। बात सुंदर, मेरी छात्रों छात्राओं से क्या अपेक्षा? चलो तो पहले शुरू करते हैं अपनी कहानी से। हर टीचर अपनी कहानी जानना बताना चाहता है, तो मैं भी अपनी कहानी बताना चाहता हूं, ठीक है ना? तो मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हूं और शुरू में हमारे पिताजी का रोज तो नहीं, साल में ट्रांसफर होता रहता था। तो जब मैं कक्षा 9 तक पहुंचा तो 7वां स्कूल था और 7 स्कूल में 4 स्कूल ऐसे थे जहां पर जमीन पर बैठते थे और 2 स्कूल ऐसे थे जहां पर घर से बोरी लेके जाते थे बैठने के लिए, क्योंकि वहां पर पट्टी भी नहीं थी। कक्षा 3 में पढ़ते थे तो एक दिन टीचर आए, कक्षा 6 पैसे की फीस होती थी, कितनी? 6 पैसे की, सरकारी स्कूल थे। तो एक दिन टीचर आए, बोले कक्षा 3 में अंग्रेजी पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी पढ़नी है उसको 54 एक्स्ट्रा लगेगी, 4.25। तो हमने कहा अंग्रेजी पढ़ेंगे, ऐसा देंगे। और मुझे याद है कि मेरा दोस्त एक दिन आया मेरे पास, और आप में से कितने लोगों को 54 का कॉन्सेप्ट मालूम? 54 क्या होती है? 25 पैसे होते हैं 54। एक आना कितना होता है? 6 पैसा। और दो आना कितना होता था? 12 पैसा। तो मेरा एक दोस्त था, वो बहुत गरीब परिवार का था, तो टीचर के पास गया, बोला 4 आने के लिए 2 आने ये और 2 आने ये, कितने हुए? 24 पैसे। 12 पैसे 12 पैसे 24 पैसे। टीचर ने मना कर दिया, बोला 25 पैसे होते हैं। हमारा एक दोस्त आया हमारे पास, बोला साहब ये 2 आने और 2 आने दे रहा हूं मैं टीचर को, 4 आने होते हैं, मेरे पास 1 पैसा कम है। तो मैं उस दौर से गुजरा और कक्षा 12 पढ़ाई की। पिताजी ने क्लियर कर दिया था कि बेटा दुकान कराने के लिए पैसे नहीं है, नौकरी करोगे तो खाओगे, नौकरी नहीं करोगे तो भूखे रहोगे। पढ़ने में होशियार था, मैथमेटिक्स में मेरे 100 में से 100, 100 में से 99, 100 में से 98 नंबर आते थे, लेकिन कक्षा 10 के बाद मैंने एक टाइपिंग स्कूल ज्वाइन किया। मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस दौर से मैं गुजरा। कक्षा के बाद मैंने, और मेरा छुट्टियां होती थी 10वीं के बाद 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, तो मैंने सोचा कि टाइपिंग सीख लेंगे और कुछ नहीं होगा तो क्लर्क तो बनने का
स्कोप अच्छा रहेगा। उसके बाद रुड़की गए पढ़ने के लिए, चार साल वहां पढ़ाई की, हिंदी मीडियम के थे। पहले दिन रुड़की में गए, सबसे बड़ी समस्या थी कि टीचर अंग्रेजी में पढ़ाएगा तो समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। चार साल किसी तरह पढ़ाई की, उसके बाद अमेरिका में एडमिशन हो गया, तो अमेरिका की एम्बेसी में गए वीजा लेने के लिए। अंग्रेजी फिल्म देखी नहीं थी, कभी बीबीसी वॉइस ऑफ अमेरिका सुना नहीं था, तो अमेरिकन की अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। तो जब अमेरिका में की एम्बेसी में इंटरव्यू देने गए, तो वहां पर जो काउंसलर थी वो क्या पूछ रही थी, आधा समझ में आता था आधा समझ में नहीं आता था। उसके बाद उसने कुछ कहा, लगा कि ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही है, इसका मतलब है वीजा मिलेगा। अमेरिका चले गए और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहां पर वेजिटेरियन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अंग्रेजी समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका की अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। अमेरिका में पढ़े चार साल, और जैसा मैंने आपसे बताया, बड़ी ऑर्डिनरी स्कूलिंग रही। कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाए, स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए। एक बार प्रोफेसर साहब ने कहा, वहां पर अमेरिका में क्या होता है कि आपको हर महीने जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके बदले में आपको कुछ टीचिंग या रिसर्च में मदद करनी होती है। तो एक साल था, हम कॉपी ग्रेड करने का काम करते थे, तो हमारे टीचर ने कहा मैं बाहर जा रहा हूं, एक दिन की क्लास आप पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे क्या पढ़ाना है? बोले तीन सवाल हैं, ये तीन सवाल क्लास में पढ़ा दीजिए। तो हमने तीन सवालों को कागज पे सॉल्व किया और क्लास में पहुंच गए। क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे, और जिंदगी में कभी बोले नहीं खड़े होकर के, कभी नहीं बोले। और क्लास में घुसते ही नर्वस हो गए, समझ में नहीं आया क्या करें। तो ब्लैक बोर्ड पर तीन सवाल लिखे, तीनों सवालों का जवाब लिखा, सॉल्व किया, एक घंटा निकाला और एक घंटे बाहर आ गए, एक शब्द मुंह से नहीं बोला, एक शब्द, इतना नर्वस था मैं। उसके बाद इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई किया, कई जगह नौकरी मिली, कानपुर आईआईटी, दिल्ली, बॉम्बे आईआईटी, मद्रास आईआईटी वगैरह। कानपुर में अच्छा माहौल लगा तो कानपुर में ज्वाइन किया। जब कानपुर में ज्वाइन किया तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि जिस तरह से अमेरिका में एक दिन क्लास पढ़ाते हुए आप अपना बेवकूफ बना के आए हैं, वो अगर कानपुर में बना दिया तो आपका काम गया, क्योंकि यहां पर तो फिर स्टूडेंट आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मेरे एक मेंटर ने मुझे सिखाया था कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, मेरे अपने एक मेंटर थे, मेरे एक गुरु थे, उनसे मैंने पूछा कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, ये निर्णय सही है कि गलत है? तो उन्होंने एक बड़ा बढ़िया गुरु मंत्र मुझको दिया, बोले कि सक्सेसफुल टीचर से अच्छा कोई करियर नहीं है और फेल्ड टीचर से खराब करियर कोई नहीं है। मतलब अगर आप एज ए टीचर सक्सेसफुल होंगे तो सबसे बढ़िया करियर है, और अगर टीचर की तरह फेल हो गए तो उससे ज्यादा खराब चीज आपके लिए नहीं हो सकती, इससे तो अच्छा है कोई नौकरी कर लीजिए। तो जब कानपुर गए, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्या क्लास पढ़ा पाएंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका निकाला गया। कैसे निकाला गया? मार्च के एंड में ज्वाइन किया था, सेमेस्टर एंड अप्रैल में होता था, हमको क्लास जुलाई से पढ़ानी थी, जुलाई से नया सेमेस्टर शुरू होता था, हमने मार्च के एंड में ज्वाइन किया है। तो हम एक प्रोफेसर के पास पहुंचे, बोले आप कल बहुत बिजी रहता है, आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के इंचार्ज हैं, आप तो बहुत बिजी रहते हैं। बोले हाँ मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो आप क्लास कैसे पढ़ाते होंगे, आपकी क्लास मैं पढ़ा दूँ? तो बोले वाकई पढ़ाओगे, आपका तो सब्जेक्ट भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम पढ़ के पढ़ा देंगे, मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, पढ़ा देंगे। बोले पढ़ाओ। तो हमने सोचा यार इसकी क्लास में प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि जुलाई में जो नंबर आएगा अपना पढ़ाने का तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी पढ़ाने की, है ना। तो ऐसे काम शुरू किया, कानपुर में पढ़ाना शुरू किया। मेरा था कि जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भूकंप से कैसे ना गिरें, इसके लिए जो इंजीनियरिंग होती है वो मेरा सब्जेक्ट था। जो स्ट्रक्चर है वो भूकंप को कैसे झेलेगा, ये मेरा सब्जेक्ट था। तो अमेरिका में रिसर्च की थी उसके बारे में, इंडिया में भी आके रिसर्च करने का इरादा था। कितने लोग बिहार से हैं? तो बिहार में दरभंगा एक जगह है, 1988 में वहां पर एक अर्थक्वेक आया और
काफी नुकसान हुआ, लोग मरे, 700-800 लोग इंडिया मरे, 1000-1500 लोग नेपाल में मरे। एक दिन सेकंड क्लास टिकट का टिकट कटा करके दो छात्रों को लेकर के पहुंच गए दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वो सब सारा एरिया। और वहां पर जब लोगों की दशा देखी तो ये लगा कि जीवन में एक मकसद मिला है, और मकसद ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से लोगों की जान बचनी चाहिए, बस। तो जो बाकी चीजें थी वो सब भूल गए, प्रमोशन, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, वो सब सेकेंडरी हो गया। जीवन में एक ही मकसद रह गया कि कैसे हमारे देश में बड़ा प्रॉब्लम है, उतना ही बड़ा भूकंप अगर अमेरिका में आएगा तो 50 लोगों की डेथ होगी, हमारे यहाँ 5,000, 10,000, 20,000 लोग मरेंगे। कश्मीर में 2005 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें इंडिया और पाकिस्तान मिला करके मेरे ख्याल 40-50 हज़ार लोग मरे होंगे, ठीक है ना। गुजरात में जो अर्थक्वेक आया 2001 में तो 13,000 लोग मरे, 14,000 लोग मरे। लातूर में, महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आया तो उसमें भी 6,000-8,000 लोग मरे। तो इंडिया में लोग मरते थे हजारों में, जबकि अमेरिका में सिर्फ 50 लोग मरते हैं, 100 लोग मरते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी होती है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन कैसे अच्छी हो, हमारी बिल्डिंग्स कैसे अच्छी बने। तो सारा जीवन का जो मकसद था वो ये था कि कैसे हमारे देश में अच्छी बिल्डिंग्स बने, और इस पर काम किया, रिसर्च भी की। इंडिया के जो कोड हैं, जैसे आज बनारस में जो बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के जो डिज़ाइन के फॉर्मूले हैं, उसकी जो बुकलेट है, उसकी जो इंडिया की, वो लिखी। आप इंजीनियर्स को ट्रेन किया, टीचर्स को ट्रेन किया, इस तरह का काम करते रहे। बीच बीच में कभी कभी डायरेक्टर साहब बुला के कुछ कह देते थे कि भाई कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करो, तो करते थे, मन लगा के करते थे। पर कभी सोचा नहीं था कि किसी कॉलेज के डायरेक्टर बनेंगे, कभी सोचा नहीं था विश्वविद्यालय का जिम्मा लेंगे, क्योंकि मकसद जीवन में लोगों को भूकंप से मरने से बचाने का था, यूनिवर्सिटी चलाने का नहीं था, यूनिवर्सिटी चलाने का कभी नहीं था। बीच में एक जिम्मेदारी मिली, एलुमनाई रिलेशंस, एलुमनाई को जोड़िए, एलुमनाई से डोनेशन लाइए ताकि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को स्कॉलरशिप दे सकें, मौका दे सकें। जब वो सब किया तो देखा यूनिवर्सिटी को ध्यान से पहली बार, और फिर एक दिमाग में आइडिया आया कि भाई अगर ये मौका मिले कोई अच्छा कॉलेज चलाने का तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो सन 2008 में भारत सरकार ने 8 IIT शुरू की और हमको इंटरव्यू के लिए मौका मिला। इंटरव्यू के बाद हमसे पूछा गया कि भाई ये 8 IIT हैं, इसमें से आपकी क्या प्रेफरेंस है, कौन कौन सी IIT आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। हमने कहा सब आप हमें गुजरात भेजेंगे तो चले जाएंगे, बाकी हमें डायरेक्टर नहीं बनना है। और उसकी वजह थी कि हम बहुत खुश थे अपने काम से, अपने जीवन से, अर्थक्वेक सेफ्टी हमारा मकसद था, और यह था कि अगर इसको छोड़ के तो एक अच्छा कॉलेज बनाएंगे, और अच्छा कॉलेज बनाएंगे तो लगा कि गुजरात में बना सकते हैं। वहाँ पर लोग बिना बात आलतू फालतू बातें नहीं करते, बिना बात लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई बिना बात भी मुकदमेबाजी नहीं होती, लड़कियाँ रात को 12 बजे स्कूटर पर घूम सकती हैं, एक बहुत ही अच्छा माहौल है। गुजरात में कोई गया यहां से? हाँ, जामनगर का है। तो गुजरात में आप रात को 12 बजे 1 बजे लड़की को स्कूटर पर बिल्कुल निसंकोच घूमते हुए देखते हैं, एक माहौल है। तो ये सोचा गया कि अगर हमें एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनाना है, एक अच्छा कॉलेज बनाना है, तो ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर माहौल अच्छा हो। एक खराब माहौल में अच्छा कॉलेज नहीं चल सकता। अगर मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता हो तो मैं पढ़ा नहीं सकता। अगर लड़की को डर लग रहा है लाइब्रेरी से घर जाने में तो वो क्या पढ़ेगी, नहीं पढ़ सकती। तो वहां पर IIT में मौका मिला हमको, वहां पर हमने जमीन एक्वायर की, आर्किटेक्ट्स हायर किए, बिल्डिंग्स बनाई, टीचर्स हायर किए, नए प्रोग्राम्स बनाए, करिकुलम बनाया, और 12.5 साल में वहां डायरेक्टर रहने का मुझे मौका मिला। और एक सबसे बड़ी चीज है कि बड़ी कल्चर बनाई। कल्चर से मतलब क्या होता है, आपके यहां आर्ट्स के और सोशल साइंस के काफी छात्र बैठे हैं, कल्चर से क्या मतलब होता है? कल्चर से मतलब होता है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टू टीचर क्या है, सीनियर स्टूडेंट टू जूनियर स्टूडेंट क्या है, PhD स्टूडेंट टू BA स्टूडेंट की क्या रिलेशनशिप है, सीनियर टीचर की जूनियर टीचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, वाइस चांसलर की अपने साथियों से क्या है, ये कल्चर है। तो सबसे ज्यादा जोर वहां पर रहा कल्चर बनाने का,
बनाने का नतीजा यह रहा कि साल में 5 बार 12 8 बार एक ईमेल आती है आईटी कंपनियों में कि क्लासरूम में 2000 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिला है, जिसका हो वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से ले ले बस। और ये आइटम साल में 5 बार 6 बार लैपटॉप सेलफोन पेन ड्राइव बच्चे छोड़ जाते हैं रुपए, लेकिन रुपए भी कैश ठीक है ना। 12.5 साल में कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई मारपीट नहीं, हमने एक सिद्धांत वहां पर लागू किया कि हम अपने छात्रों को छात्राओं को पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं और हम ये मानते हैं कि वो बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं। हम उनको सुपरवाइज नहीं करेंगे और उनको हम पूरी फ्रीडम देंगे, और ये फ्रीडम तब तक देते रहेंगे जब तक वो उस जिम्मेदार तरीके से उसका निर्वाह करते हैं। ये हमने छात्र छात्राओं के साथ एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं आपको ट्रस्ट करूंगा, लेकिन वो ट्रस्ट तब तक है जब तक आप उस ट्रस्ट के लायक हैं। अब उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि हमने आईआईटी कानपुर में लड़के और लड़कियों की मेस अलग नहीं बनाई, क्योंकि हमने कहा हम आपको एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो लड़कों को लड़कियों से अलग खाने की जरूरत क्या है। हमने हॉस्टल अलग नहीं बनाया, अगर हम जिम्मेदार महसूस करते हैं आपको तो इसकी क्या जरूरत है। हमने हॉस्टल चलाने की टोटल स्वतंत्रता स्टूडेंट्स को दे दी, मेस का कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, खाना क्या बनेगा, चाय की दुकान किसकी लगवाओगे, फ्रूट जूस की दुकान किसकी होगी, और वादा यह था कि जिस दिन जिम्मेदारी से बाहर जाओगे उस दिन मैं कसूंगा ठीक है ना। हमारे एक छात्र ने जूस वाले से कहा कि मुझको जूस के पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि मैं वेलफेयर सेक्रेटरी हूं, मेरी तरह से तो दुकान आती है आपकी, लड़के को निकाल दिया, आप ये नहीं कर सकते, आप मुफ्ती में जूस नहीं पी सकते, चांसलर हो चाहे आप स्टूडेंट लीडर हो, जो जूस के 40 रुपए हैं वो तो आपको देने हैं। हमारे 3 छात्र लीडर्स, टॉप लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स, उन्होंने कुछ गड़बड़ की, हमने उनको 1 साल के लिए निकाल दिया, मुझसे मिलने आए, बैठाया, चाय पिलाई मैंने, हंसने की बात नहीं है, मेरे बहुत प्रिय थे बच्चे, आज भी मेरे संपर्क में हैं। बोले सर हमने आईटी के लिए इतना किया, आपने इतना सख्त निर्णय लिया, मैंने कहा इसीलिए चाय पिला रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, तुमने विश्वविद्यालय के लिए बहुत किया है। बोले फिर इतनी बड़ी सजा, मैंने कहा अगर आपको सजा नहीं दूंगा तो फिर किसको दूंगा, आप तो रोल मॉडल हैं, आप तो नेता हैं, अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो ये बीमारी नीचे तक जाएगी, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए राइट। इसको एक जिम्मेदार तरीके से लीजिए और 1 साल का समय अच्छी तरह इस्तेमाल करिए। जो बाहर चले गए तो मैंने अपने डीन को फोन किया, मैंने कहा 3 बच्चे हैं इनको संभाल लेना। बोला क्या मतलब है आपका, मैंने कहा कुछ पार्ट टाइम काम दे दे इनको, खाली बैठेंगे घर पे जाके मम्मी पापा के बस दंगा करेंगे ये। 1 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया, 1 साल क्लास नहीं आओगे, लेकिन उनको कुछ काम दे दिया ठीक है ना। तो एक माहौल बनाया और उस माहौल से लाभ ये हुआ कि हमारे यहां कोई मुकदमेबाजी, कोई शिकायतें, लड़कों की लड़कियों से किसी तरह की कोई बदतमीजी, टीचर टू टीचर रिलेशनशिप, टीचर्स टू स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट टू स्टाफ रिलेशनशिप, कहीं पर कोई किसी भी तरह की टेंशन नहीं आई। आप कहेंगे कि बहुत छोटा कॉलेज था, ये तो बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ सही बात है, जब मैंने शुरू किया था तो 90 स्टूडेंट्स थे और मुझे लोगों ने कहा कि अभी तो 90 स्टूडेंट्स हैं, फिर 200 हो गए, फिर 300 हो गए, बोले अभी तो आप लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ मिक्स करने देते हैं, जब 1000 हो जाएंगे तब क्या करेंगे। मैं छोड़ के आया 1800 स्टूडेंट्स को, कितने 1800 स्टूडेंट। अब इसका मैं उदाहरण देता हूं, पूरे देश में
सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी आईआईटी, देश में 23 आईआईटी हैं, कितनी 23, हर आईआईटी ने कोविड में हॉस्टल खाली कराए, बच्चों को घर भेजा, सिवाय आईआईटी गांधीनगर के, सिवाय आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर ने कहा कि अगर ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर ये एडल्ट्स हैं, तो फिर इन्हें घर क्यों भेजेंगे? प्रोफेसर को घर भेज रहे हो क्या? जब प्रोफेसर को घर नहीं भेज रहे तो स्टूडेंट को क्यों घर भेजोगे? ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए रिसोर्स हैं, ये हमारे लिए सॉल्यूशन है, ये जवान लोग हैं जिनकी ताकत हम यूज कर सकते हैं। हमने सेकेंड वेव में कैंपस के अंदर 150 स्टूडेंट्स को कोविड से ट्रीट किया, ट्रीटमेंट दिया 150 स्टूडेंट्स को। सेकेंड वेव में एक के भी पिताजी माताजी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, और बाद में ईमेल्स आई माता पिता की कि आपने जितने अच्छी तरह से हमारे बच्चों को संभाला, हम नहीं संभाल सकते थे। ये हमने नहीं किया, ये स्टूडेंट किया, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लीडरशिप इतनी स्ट्रांग थी। हमारे स्टूडेंट्स परमिशन देते थे कोविड में कि हॉस्टल से बच्चों का तो बच्चों का तरीका अपना है, उनको बाहर खाना खाने जाना है, हॉस्टल में बोर हो गए हैं, लेकिन बाहर जाओगे तो इन्फेक्शन लाओगे, इन्फेक्शन लाओगे तो बाकी स्टूडेंट्स को भी रिस्क होगा, तो रूल्स तो बनाने पड़ेंगे। अब रूल्स कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाऊंगा, स्टूडेंट्स बनाएंगे। रूल्स को एनफोर्स कौन करेगा? स्टूडेंट्स करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहां बहुत सख्ती है डिसिप्लिन पर, हमारे यहां नहीं वहां पर, तो मैं हमारे यहां तो यहां पर है बनारस में, गांधीनगर में अगर होमवर्क असाइनमेंट में भी नकल की है ना तो एक सेमेस्टर की छुट्टी तो मिल जाती है। लेकिन उस कमेटी में कौन लोग हैं? 6 टीचर्स और 4 स्टूडेंट्स। और उसमें सख्त कौन ज्यादा है? स्टूडेंट्स। टीचर्स तो लीनियंट होते हैं, क्यों? क्योंकि टीचर्स दूसरे कॉलेज से पढ़ के आए हुए होते हैं, तो दूसरे कॉलेज में जहां से आए होते हैं वहां का रेफरेंस लगाते हैं, वो कहते हैं हमारे कॉलेज में नकल करने पर क्या होता है, कुछ नहीं, वार्निंग दे देते हैं, एक एफ ग्रेड दे देते हैं, फेल कर देते हैं। पर जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जितनी फ्रीडम हमको मिली है उतनी किसी आईआईटी में नहीं मिलती, इस लड़के ने, इस लड़की ने हमारे उस ट्रस्ट को बिट्रे किया है, इसने हमारी पोजीशन कमजोर की है, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा स्टूडेंट मेंबर ज्यादा सख्त होता था, टीचर लीनियंट होता था, राइट? तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं, स्टूडेंट तो वही है, टीचर भी वही है, देश भी वही है, कानून भी वही है, फर्क सिर्फ एक कल्चर बनाने का है, फर्क सिर्फ एक माहौल बनाने का है, सिर्फ एक एनवायरमेंट बनाने का है, एक ट्रस्ट बिल्ड करने का है कि क्या एक दूसरे पर विश्वास है, क्या एक दूसरे पर भरोसा है, क्या अगर किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है तो क्या उसको लगता है कि यह सही बात हो रही है, क्या उसको लगता है कि मेरे साथ जाती हो रही है, किसी और के साथ होता तो शायद एक्शन लीनियंट होता, अगर वो लड़का जैन होता, जैन साहब के गांव का होता, जैन साहब के फैकल्टी का होता, जैन साहब के डिपार्टमेंट का होता, तो शायद उसको ज्यादा लीनियंटली ट्रीट किया गया होता। अगर वो भरोसा है तो कितनी भी आप शक्ति करेंगे, सब लोग मिलकर के उस शक्ति को निभाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव रहा। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे आपको मुझे समझने की में मदद मिलेगी कि मैं कहां से आया हूं। और जब मेरे लिए अखबार में न्यूज आई कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का लिए मेरा नियुक्ति पत्र इशू हो गया है, तो मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले भाई आप तो आईटी चलाते थे, वो भी छोटी आईटी चलाते थे, और ये तो विश्वविद्यालय बहुत ही बड़ा है, मतलब बाकी विश्वविद्यालयों से भी बहुत बड़ा है, तो आप इसको कैसे चलाओगे? आप यहां तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से डील करते थे, वहां तो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, तो कैसे चलाओगे? मेरा मानना है कि किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, अच्छा चलाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए।
पहला ये है कि उसमें जो एडमिशन और रिक्रूटमेंट हो वो मेरिट पर हो, अच्छे लोगों का, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, कोई बेईमानी ना हो, कोई फेवरेटिज्म ना हो, क्वालिटी के लोग आए, चाहे वो क्लर्क है, चाहे माली है, चाहे झाड़ू लगाने वाला है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे स्टूडेंट एमएससी का है, चाहे बीएससी का है, चाहे पीएचडी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय से कनेक्ट होगा वो मेरिट पर हो, पहली चीज। दूसरी, इन लोगों को ले आए हो तो इनको काम करने के लिए, जो भी इनका काम है, पढ़ने का है, पढ़ाने का है, रिसर्च करने का है, माली है तो घास काटने का है, सफाई करने वाला है तो सफाई करने का काम है, उस सबको करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उसको उपलब्ध कराए जाए। मैंने टीचर्स ले आया, स्टूडेंट्स ले आया, क्लासरूम नहीं दिया तो कैसे पढ़ाई होगी, लैब नहीं दी तो कैसे पढ़ाई होगी। तो सेकेंड चीज, रिसोर्स चाहिए। लेकिन अगर मैं अच्छे लोगों को ले आया और उनको मैंने लैब भी दे दी, खूब सारे पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन एक कल्चर नहीं बनाई, एक ट्रस्ट नहीं बनाया, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं बनाई, तो ये सब बेकार है। तो तीसरी चीज जो क्या है वो है कि टू बिल्ड कल्चर, टू बिल्ड द एनवायरनमेंट, टू बिल्ड ट्रस्ट, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, टू बिल्ड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपको नीचे करके ऊपर नहीं जाना है, आपको भी ऊपर जाना है, मुझे भी ऊपर जाना है, दोनों साथ साथ चलेंगे। आपने सुना होगा, मैंने कहीं पढ़ा था पिछले दिनों, कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन अगर दूर जाना है तो सबको साथ लेके जाना होगा। और यूनिवर्सिटी में आज हम धीमे चल सकते हैं लेकिन दूर जाना है, आज हम थोड़ा धीरे चल सकते हैं लेकिन हमें दूर जाना है, सबको साथ लेके चलना है। कोई भी विश्वविद्यालय अकेला आगे नहीं जा सकता, बीएचयू आगे नहीं जा सकता अगर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय अच्छा नहीं कर रहा है, जो हमारे आसपास के कॉलेजेस हैं अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बीएचयू अच्छा नहीं कर सकता। बीएचयू के अंदर कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी अच्छा नहीं कर सकती अगर बाकी फैकल्टी अच्छा नहीं कर रही, सबको साथ चलना पड़ेगा। ये बात मैं आईटी में भी कहता था कि आईटी गांधीनगर अकेले तेज नहीं चल सकती, आईटी गांधीनगर तभी आगे चलेगी जब बाकी आईटी भी साथ चलेंगी। आज मेरी फेसबुक पे है, आप लोग कितने लोग हैं फेसबुक पर, बस चलो फेसबुक पर मेरी पोस्ट देखना। आज आईटी गांधीनगर में एक प्रोग्राम शुरू किया था, इन्वेंट एट आईटी गांधीनगर, इन्वेंशन फैक्ट्री, उसकी पूरी परिकल्पना यह थी कि सिर्फ 20 बच्चों को लेना है। कितने बच्चों को लेना है, 20 बच्चों को लेना है, लेकिन हमने कहा हम खाली अपने आईटी गांधीनगर के बच्चों को नहीं लेंगे, हम पूरी सारी आईटी को कॉम्पीट कराएंगे, उसमें दूसरी आईटी के भी बच्चे आते हैं, हमारे सिर्फ 20 सीट है, लेकिन हमने कहा हम खोल देंगे सबके, क्योंकि हमारा ध्येय यह था कि जो आइडिया है ये दूसरे कॉलेजेस तक जाए, जब वहां के स्टूडेंट हमारे यहां एक अच्छा आइडिया ग्रहण करके वापस अपने कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज को भी एक एनर्जी मिलेगी और उससे हमारा भी काम आगे बढ़ेगा। तो ये तीन चीजें हैं, आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स को मेरिट पर लाना है, उनको रिसोर्सेज देने हैं, और तीसरा एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। अब सवाल ये है, अभी अरुण कुमार जी हमारे जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने बहुत बढ़िया कोटेशन पढ़ी किसी विद्वान की कि एजुकेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना, चलो किससे पूछते हैं, होमवर्क तो मिलना चाहिए, क्विज तो होना चाहिए है? आप बैठी हैं पीछे चौथी रो में, खड़ी हुई है, इनको माइक्रोफोन दो, बताइए एजुकेशन यहां पर क्या करते हो, पीएचडी करते हो किस विषय में, माइक्रोबायोलॉजी में, बताइए एजुकेशन का पर्पस बताइए। अरुण सिंह ने कुछ आइडिया दे दिया ऑलरेडी, आप थोड़ा नजदीक रखिए, पर्पस ऑफ एजुकेशन, is to gain knowledge and means to spread that knowledge to
अदर पीपल ऑफ द कंट्री बेसिकली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को? हाँ आप बताइए। मैं गुंडा बन जाऊं तो शिक्षा होगी? मैं कह रहा था आपने जो शब्द कहे मैंने उन शब्दों को इंटरप्रेट किया नहीं। आहा, तो आपके शब्द केयरफुल होने चाहिए। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ आपने अच्छा वर्ड, आपने अच्छा वर्ड छूट दिया ना। बैठिए। तो मेरे दोनों साथियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अरुण सिंह ने जी ने भी काफी इसकी अच्छी डेफिनेशन दी थी। मेरे हिसाब से एजुकेशन का पर्पस खाली फिजिक्स पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, मेडिसिन पढ़ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं है। एजुकेशन का पर्पस उससे कहीं ज्यादा है। और वो क्या है? वो है कि कुछ कर गुजरने की एस्पिरेशन होनी चाहिए, कुछ अच्छा कर गुजरने की। यहां ही पर गड़बड़ है। कुछ कर गुजरने में तो बदमाशी भी अलाउड है, गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, वो सब भी कर गुजरने में आएगा, लेकिन कुछ अच्छा कर गुजरने की एस्पिरेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। और खाली शेख चिल्ली की तरह से सपना ना देखते रहें, उसको करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। ये बात सही है, ठीक है ना? अब वो क्या अच्छा होगा ये हर आदमी का अलग हो सकता है। मेरे केस में अर्थक्वेक सेफ्टी था, आपके केस में हो सकता है अपने गांव की दशा सुधारना, किसी और के मन में हो कि पूरे परिवार की स्थिति सुधारना, किसी का उद्देश्य होगा कि अपने कॉलेज में, अपने गांव में स्कूल अच्छा चलाना। हर एक व्यक्ति का एक अच्छा एक मकसद हो सकता है, लेकिन एक अच्छा मकसद होना चाहिए और उस मकसद को पूरा करने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर ये होगा तो अच्छी एजुकेशन होगी, और उस काबिलियत में फिजिक्स पढ़ना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन पूरा कंपोनेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है लेकिन आपका व्यवहार बहुत खराब है, या आप बहुत ही सुस्त हैं, बहुत ही लड़ाई झगड़े वाले हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। काफी साल पहले एक बार इंटरव्यू हुआ IIT कानपुर में, बिजली का इंजीनियर रिक्रूट, बिजली जो मेंटेनेंस के इंजीनियर होते, तो हमारे बिजली के कुछ एक्सपर्ट थे, मेरा तो बिजली का सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने 20 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करके 5 कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बनाई, एक आदमी को लेना था। तो बोले हमने ये 5 लोगों की मेरिट लिस्ट बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने कहा अब मैं इन 5 लोगों से आपकी साथ में मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उन 5ों को एक एक करके उन अपने साथियों के साथ बैठ के बुलाया, उनसे बात की। जो बात की तो मेरिट लिस्ट उलट गई, जो उन्होंने बेस्ट कैंडिडेट छांटा था वो बेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मेरी कंसर्न क्या थी? मेरी कंसर्न थी कि यहां पर घुसखोरी तो नहीं शुरू कर देगा ये, बेईमानी तो नहीं शुरू कर देगा। मेरी कंसर्न थी कि बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करेगा कि झगड़ा करेगा। मेरी कंसर्न थी कि रात को जब बिजली जाएगी तो सोता रहेगा कि उठ के आएगा बिजली ठीक करने के लिए, राइट? तो मेरी जो कंसर्न थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं थी, वो कुछ और थी। और मेरे सवाल उसी तरह के थे। जब उन सवालों को जवाब देने लगे तो जो नंबर 1 पर था वो फिसल गया। तो मेरे साथियों ने कहा साहब आपने तो हमारी मेरिट लिस्ट उल्टी कर दी। मैंने कहा भाई आप कुछ और दिशा में देख रहे थे, मैं कुछ और दिशा में देख रहा हूं, दोनों की बात सही है, आपकी बात भी सही है। रूल था, और मैंने बहुत रिक्रूटमेंट किया, मैंने आपसे बताया जब मैं गया था वहां पर तो कुछ नहीं था। मेरा सबसे पहले कंसर्न किसी को रिक्रूट करने में, चाहे वो नया आदमी रिक्रूट कर रहा हूं, चाहे किसी को मेरे को डीन या डायरेक्टर या कोई जिम्मेदारी देनी हो, पहली चीज होती है कि एथिक्स एंड वैल्यूज, आदमी ईमानदार है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, झूठ चोरी बेईमानी, वो सबसे बड़ा कंसर्न। सेकेंड कंसर्न है कि एटीट्यूड कैसा है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कोशिश में रहते हैं कि वाइस चांसलर को पता चले कि मैं ही होशियार हूं बाकी सब गधे हैं, ये तो खराब एटीट्यूड है। कोशिश ये होती है कि हर चीज में खराब चीज दिखाई देती है। आपने सुना है ग्लास खाली खाली आधा खाली भरा, उनको हर चीज में नेगेटिविटी चीज दिखाई देती है। आदमी ईमानदार है मेरे लिए यूजफुल नहीं है। और तीसरी चीज क्या देखता हूं मैं? तीसरी चीज देखता हूं कि उसका अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में है कि नहीं है।
लाइफ स्किल बोलता हूं उसको मैं, अपना समय का सदुपयोग कर पाता है कि नहीं कर पाता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर दो लोगों में झगड़ा चल रहा है तो झगड़ा वो सुलझाएगा या झगड़ा लेके मेरे पास आएगा? अगर मैंने किसी को डीन बनाया और दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, डीन साहब ने दोनों लोगों का झगड़ा खत्म कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला वो अच्छा डीन है या वो अच्छा डीन है जो दो लोगों का झगड़ा हुआ तो दोनों को लेके मेरे पास आ गया, बोला साहब ये दो झगड़ रहे हैं अब आप इनको सुलझाए, कौन सा बेटर डीन है मेरे लिए, पहले वाला कि दूसरे वाला? क्योंकि दूसरे वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या चीज हुई? पहली तो हुई वैल्यूज, सेकंड एटीट्यूड, तीसरा लाइफ स्किल, और उसके बाद सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। अकाउंट्स का ऑफिसर चाहिए, इलेक्ट्रिकल का आदमी चाहिए, लाइब्रेरी का ऑफिसर चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए, हर जगह ये मेरा क्राइटेरिया रहा है। अगर मेरा ये क्राइटेरिया रहा है तो मेरा मानना यह है कि जहां भी अच्छी नौकरियां होंगी वहां पर भी यह क्राइटेरिया रहेगा, और लोगों का भी शायद ऐसा होता हो। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि आज जितने छात्र छात्राएं मेरी बात को सुन रहे हैं उनको मैं क्या इशारा दे रहा हूं, क्या इशारा दे रहा हूं कि पढ़ाई तो करनी है, उसका कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन पढ़ाई के अलावा आपको अपने दिल में झांक करके देखना है कि ये जो तीन पैरामीटर्स हैं इन तीन में क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या हम और इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये जो छात्र जीवन है इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अभी जो है बहुत सारी गलतियां माफ हो सकती हैं, अभी बहुत सारी चीजें 19-21 हो सकती हैं, पर एक बार नौकरी में चले जाते हैं तो वो गुंजाइश मेरे ख्याल से खत्म हो जाती है। मेरा मानना यह है कि किसी भी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है और किसी भी विश्वविद्यालय के जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे छात्र छात्राओं को इसके लिए सेंसिटिव बना दें, इसके लिए सेंसिटाइज कर दें, उनको इस दिशा में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें, उसके बाद छात्र छात्राएं अपने आप दौड़ लें, हमें उनके उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई टीम वर्क इंप्रूव करना है और मैंने आपको 2 घंटे का लेक्चर भी दे दिया टीम वर्क कैसे इंप्रूव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपके दिल में आग लग गई कि मैं टीम वर्क में कमजोर हूं, मेरा टीम वर्क कैसे इंप्रूव होगा, तो आप ट्रायल एंड एरर से, किताबें पढ़ के, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से सीख साख के इंप्रूव करोगे। हर बार गलती करोगे तो सीखोगे कि आज गलती हो गई। जैसे आप मुझसे पूछोगे भाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं गुस्सा हो जाता हूं। आहा, गुस्सा हो जाते हो तो अच्छी बात नहीं है, लाइफ स्किल में तो नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं इसके। लेकिन हर बार गुस्सा होता हूं तो उसके बाद मन में बड़ी संकोच होती है कि आज मैं गुस्सा हुआ, मुझे नहीं होना चाहिए था, अगली बार मैं क्या करूं कि मैं गुस्सा ना हूं। और पूरी तरह सफलता नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिलती है, 5% मिलेगी, 10% मिलेगी, 10% मिलेगी, प्रैक्टिस करते 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 आदमी इंप्रूव होता है। कोई फॉर्मूला नहीं है, एलोपैथिक दवाई नहीं है कि पेट में दर्द हो रहा है दवाई खाई ठीक हो गए, ये आयुर्वेदा है। बैठे कोई आयुर्वेदा के लोग यहां नहीं, हाँ यहां पर लाइफस्टाइल चेंज करनी, थिंकिंग चेंज करनी, ठीक है ना। तो ये मेरा, अभी किसी ने पूछा कि आपकी स्टूडेंट से क्या उम्मीद है, तो ये मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ बताऊं। तो करना क्या है? करना यह है कि स्टूडेंट्स को जो यहां पर सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाना, जो ये बात मैंने कही कि सब्जेक्ट भी पढ़ना है लेकिन साथ में 3 चीजें वैल्यूज, एटीट्यूड एंड लाइफ स्किल्स, तीनों को इंप्रूव करना है। कैसे होंगी? उसके लिए जो विश्वविद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं। क्या सुविधाएं हैं? एक तो यहां पर टीचर्स हैं, शायद सारे टीचर उतने स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है लेकिन कुछ तो हैं, जो हैं उनका लाभ उठाइए और वो पता चल जाता है। आप जब स्टूडेंट से, टीचर से मिलते हैं तो पता चल जाता है कि ये फ्रेंडली है कि नहीं है फ्रेंडली, उसमें मैं कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है,
आपके साथी हैं, आपके साथियों में आपको दिखाई देगा कि इस व्यक्ति के अंदर यह गुण है, उससे हम गुण ग्रहण करें, उससे बात करें, उससे सीखें। हमारी कोई समस्या हो, अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई बनारस में, तो उसमें एक सेशन चल रहा था, तो मैंने भी हाथ उठा दिया सवाल पूछने के लिए या कुछ कहने के लिए। तो मैंने कहा कि दुनिया का जो सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है, ओलंपिक का मेडल लेके आता है, मेडल लेके आता है, जा दुनिया का जो सबसे बढ़िया बॉक्सर है, जो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेता है, उन सबके पास भी कोच होता है। उनका जो कोच होता है वो उतनी तेज दौड़ नहीं दौड़ सकता जितना वो धावक दौड़ सकता है, लेकिन वो कोच होता है, क्योंकि अगर वो इतना दौड़ सकता तो खुद दौड़ रहा होता। जो बॉक्सिंग वाला जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका भी जो कोच है वो उतनी अच्छी बॉक्सिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो भी कोच रखता है। तो मैंने कहा कि हम वाइस चांसलर बन जाते हैं, हम ये क्यों मानते हैं कि हमारा कोच नहीं चाहिए हमको? अगर दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले को कोच चाहिए तो किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कोच क्यों नहीं चाहिए? बस समझाइए। और मैंने कहा कि मुझको बड़ा लाभ हुआ, पिछले 15-20 साल में मेरे बहुत सारे कोचेज रहे। कोच का मतलब ये नहीं होता कि वो आपका सीनियर है। मेरा कोच 25 साल की एक बच्ची हो सकती है जिसको किसी मामले में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और मैं सकूं बेटा मैं इस परेशानी में हूं, आपकी क्या राय, वो मेरी कोच हो सकती है। एक जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है विश्वविद्यालय का, दूसरी जगह का हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो मैंने अपने 20-25 साल में काफी लाभ उठाया, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो किसी मामले में मुझसे ज्यादा होशियार है, और जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने उनको फोन किया और उनसे गाइडेंस ली, ये समस्या से जूझ रहा हूं, इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। और कई बार एक ज्यादा कोच से अप्रोच किया, उसी समस्या को दो लोगों से बात की, दोनों के अलग अलग नजरिए आए, और फिर उनको मैंने समझा, इंटरनलाइज किया और देखा मैं किस बात से ज्यादा कंफर्टेबल हूं, उसको मैंने किया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यह है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं विश्वविद्यालय में होने का लाभ उठाएं और अपने भविष्य पर ध्यान दें, अपना फ्यूचर बनाएं। यह समय अपनी चिंता करने का है ताकि आप देश की चिंता कर सकें। जब मैंने IIT गांधीनगर शुरू किया तो कई बार भारत सरकार की कुछ स्कीम्स होती थी जिसके लिए मेरे साथी कहते थे हम इसमें अप्लाई करें, मैंने कहा मत करो क्योंकि हम इसमें अच्छा काम नहीं कर पाएंगे अभी। तो बोले फिर देश, मैंने कहा अभी बच्चे हो, दूध पियो और पढ़ो, पाठशाला जाओ, जब बड़े हो जाओगे तब देश की सेवा करेंगे, अभी अपना बचपन संभालो, अभी कॉलेज को पैरों पे खड़ा होके स्ट्रांग बनना है ताकि हम देश के काम आ सकें। मेरा मानना है कि हमारे देश के जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, सबसे पहले आप हवाई जहाज में, कितने लोग हवाई जहाज में बैठे हैं? हवाई जहाज में जब बैठते हैं, बैठिए, जब बैठते हैं तो वो एक अनाउंस करती है कि अगर हवा का दबाव कम हो जाए तो मास्क गिरेगा, पहले अपना मास्क पहने उसके बाद बच्चे को पहने, ठीक है ना? पहले अपने आप को संभालो, अगर अपने आप को संभाला तो देश संभल जाएगा, और खुद तो संभले नहीं, देश को संभालने चलोगे या विश्वविद्यालय को संभालने चलोगे तो वो ठीक नहीं है। पहले अपने आप को स्ट्रांग करना है। अपने आप कैसे स्ट्रांग करोगे? कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं तैयार हूं एक लंबी दौड़ के दौड़ने के लिए, छोटी दौड़ नहीं दौड़नी है मुझे। आपकी तरह से मैं कब स्टूडेंट था, मैं 79 में मैंने इंजीनियरिंग पूरी की, तो 43 साल हो गए मुझको पढ़ाई पूरी की है, इंजीनियरिंग पूरी की है, उसके बाद भी PhD करने में टाइम लगा 43 साल। तो जो 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखा करा वो आज 43 साल भी मेरे काम आ रहा है, ठीक है ना? और क्या सीखा, क्या सीखा, क्या जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी वो काम आ रही है आज मेरे? कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स। मेरे जो प्रोफेसर सामने बैठे हैं कई बार मेरे कमरे में आते हैं और मैं इनसे बात करते करते 8 फिंगर से टाइपिंग करता हूं कंप्यूटर पर,
जब मैं आपसे बात करूंगा और मुझे लगेगा कि आप कुछ ऐसी चीज बात कर रहे हैं जो मुझे याद रखनी चाहिए, जो मुझे याद नहीं रहेगी क्योंकि दिमाग थोड़ा एज के साथ स्लो हो जाता है, तो मैं टाइप करता हूँ 8 फिंगर से। अब मुझे स्क्रीन भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं आंख बंद करके टाइप कर सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कक्षा 10 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की जो चिंता थी उसमें टाइपिंग स्कूल गए थे। सो आई कैन टाइप फास्ट, दैट्स अ लाइफ स्किल। आपकी लाइफ स्किल कुछ और हो सकती है। अभी मुझे कोई बढ़िया ग्राफ बनाना पड़े मुझे नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास हमेशा स्टूडेंट्स रहे, मुझसे ज्यादा होशियार स्टूडेंट्स रहे जो ग्राफ बना देते थे, तो लाइफ स्किल नहीं है मेरे अंदर। तो आपको तय करना है कौन सी लाइफ स्किल चाहिए और उसको बनाना है, उस पर टाइम लगाना है। कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, मुफ्त में नहीं होती, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अभी जो विश्वविद्यालय की स्थिति है उसमें खाली मेरा यह कहना उचित नहीं है कि आप क्या करेंगे, मुझे यह भी बताना है कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। आज जो मैं देखता हूं विश्वविद्यालय को, अभी आज एक सीनियर प्रोफेसर हमारे विश्वविद्यालय के मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने बताया कि साहब मैं सच एंड सच इंस्टीट्यूट में गया था बंबई में, और साहब वो कितना आगे निकल गए, हम कहां आए हैं, ये समस्या है। देश के कॉलेज, देश की यूनिवर्सिटीज बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वहां ना रुके रहें जहां पर हम रुके हुए हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम भी चलना शुरू करें और तेजी से चलना शुरू करें। हमें जिन लोगों से हम पीछे रह गए हैं उनसे आगे निकलना है, लेकिन पहले चलना शुरू करना पड़ेगा। अभी क्या स्थिति है? अभी जो मुझे बताया गया है कि एडमिशंस और रिक्रूटमेंट्स में भी कंसर्न रहे हैं पास्ट में, रिसोर्सेज की बड़ी दिक्कत है। मुझे बताया गया है कि 100 लड़कों की 100 स्टूडेंट्स की क्लास होती है, लेकिन क्लासरूम में 80 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं। हॉस्टल की बड़ी कमी है, लड़कियों के हॉस्टल की तो ज्यादा ही दिक्कत है कंपेयर टू लड़कों के हॉस्टल की। सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, आए दिन इस तरह की घटना होती है जो एक सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए, राइट। हॉस्टल में जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो टॉयलेट हो चाहे वाटर कूलर हो, उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स में लिफ्ट नहीं है और हमारे पास हैंडीकैप बच्चे हैं जिनके पास कोई जरिया नहीं है ऊपर चढ़ने का, तो उनको 4 स्टूडेंट उठा करके ऊपर लेके जाते हैं, वो कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है। हमारी काफी बिल्डिंग्स में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, ये एक सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह से हम ये नहीं चला सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम विश्व में एक अच्छे यूनिवर्सिटी बनेंगे और हमारी महिलाओं को एक अच्छा टॉयलेट साफ सुथरा नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप पे जाएगी अगर हमारी लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं। हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट्स के बैठने की जगह नहीं होगी, या क्लासरूम इतने गंदे होंगे कि स्टूडेंट्स को पहले जाके सफाई करनी होगी उसके बाद वो बैठ पाएंगे। समस्याएं हैं और उन समस्याओं को मिलकर के सुलझाना होगा, मिलकर के उस पर काम करना होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर हम सब लोग मिलकर के करेंगे तो ये हो पाएगा। अभी तक क्या किया, 6 महीने मुझे हो गए। सबसे पहली चीज जो यहां पर हुई वो ये थी कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी था। जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि ये माना जाता था कि वाइस चांसलर जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी रूल है वो वाइस चांसलर तोड़ सकता है, किसी को भी मकान आउट ऑफ टर्न दे सकता है, स्टूडेंट रूल्स के हिसाब से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता पीएचडी में, लेकिन वाइस चांसलर चाहे तो उसे अलाउ कर सकता है। हमने कहा ये तो ठीक नहीं है, वाइस चांसलर जो है वो इज ओनली द लीडर ऑफ द ग्रुप, ही इज नॉट ए स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन जो चाहे वो कानून लिख दे। तो पहली चीज जो की वो किया कि ट्रस्ट को रीबिल्ड करना है, सबको विश्वास हो कि विश्वविद्यालय नियम से चलेगा। नियम सख्त हो सकते हैं, नियम लीनियंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी नियम हो वो सबके ऊपर बराबर तरीके से लागू हो। अगर कोई प्रोसीजर लिखा है वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, अगर प्रोसीजर गलत है आकर के बात करिए, प्रोसीजर को चेंज कर लीजिए। अगर कोई रूल ऐसा है जो बहुत सख्त है
और आपको लगता है कि जा सकती है तो उसको लीनियंट करना है कर लीजिए, लेकिन रूल जो भी है वो फॉलो होना चाहिए, प्रोसीजर जो भी है वो फॉलो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैंने कोशिश की है कि पिछले 6 महीने में मैंने कोई भी एक्सेप्शन किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर, किसी भी स्टाफ के लिए इस तरह का अलाउ नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखी कि यहां पर छात्रों के लिए फाइनेंशियल एड का कोई अच्छा स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, वो हमको बिल्ड कर, हमको जो हमारे छात्र छात्राएं गरीब परिवारों से आते हैं जिनको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उनकी व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए 5 फरवरी को महामना की जो ये बसंत पंचमी के दिन जो विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस हुआ उस दिन हमने लॉन्च किया एक डोनेशन का ड्राइव कि हम विश्वविद्यालय के लिए फिर से डोनेशन लेंगे। महामना ने 100 साल से पहले डोनेशन लेकर के विश्वविद्यालय बनाया, सारी ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं, सारा जो कैंपस देख रहे हैं, ये डोनेशन से बना। लेकिन चलते चलते कुछ समय ऐसा आया कि मान लिया गया कि सब सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार पैसे देगी, लेकिन सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, सरकार नहीं दे सकती इतने पैसे। तो हमने ये एक प्रोग्राम शुरू किया कि हमारे जो भी पूर्व छात्र हैं, जो हमारे वेलविशर्स हैं, वो जितना भी स्वेच्छा से चाहें उतना पैसा उस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और कभी 1.25 करोड़ रुपया हमें बिना कुछ मेहनत किए उस अकाउंट में आया है, ठीक है ना। फिर हमने लेकिन ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, 1.5 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, इतने बड़े विश्वविद्यालय के लिए 150 करोड़ रुपया आना चाहिए था, और इसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हमने एक फाइनेंशियल एड का प्रोग्राम शुरू किया और जिसमें हमने कहा कि हम जो लोग गरीबी रेखा के नीचे के हैं उनको हम कुछ मदद कर सकें, वो शुरू किया। उसमें कुछ लोगों को पैसे मिले, मेरे हिसाब से वो काफ़ी कम है और बढ़ाने चाहिए और मिलने चाहिए, ये शुरू किया। फिर थोड़ी फेलोशिप शुरू की, टीच फॉर BHU शुरू किया, जो हमारे नेट वाले कुछ लोग नेट की शिकायत कर रहे थे, सो नेट में कुछ लोगों को शायद अभी एप्लीकेशन गई होगी, पता नहीं कहाँ पहुँची वो एप्लीकेशन, कि वो थोड़ा टॉप अप स्कॉलरशिप का कुछ जर्नल वाला है, जर्नल आपके यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में होंगी, पेपर वगैरह का दिक्कत है। तो कोशिश कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं के हाथ से हों, कोशिश कर रहे हैं, एकदम जादू की छड़ी नहीं है, एक दिन में नहीं हो पाएगा, कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से लाइब्रेरी में शिकायत थी कि घंटे बढ़ाने चाहिए, वो घंटे बढ़ाए, लेकिन उससे दिक्कत आई कि लड़कियों का क्या होगा। अभी लड़कियों की वार्डन से बात चल रही है कि क्या लड़कियों के हॉस्टल्स में हम रीडिंग रूम्स बना दें, वहाँ पर हम कंप्यूटर रख दें, एयर कंडीशनर लगा दें, तो कोशिश कर रहे हैं। हॉस्टल बनाने की बात चल रही है, करीब करीब 2000 सीट का हॉस्टल लड़कियों के बनाने की व्यवस्था की बात चल रही है, डिज़ाइन की बात चल रही है। तो इस तरह की कोशिश हो रही है कि थोड़ा काम इस तरह का हो जिससे कि जो मैंने आप लोगों से बताया कि एक अच्छे रिसोर्सेज हम दे पाएँ, एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएँ, ये कोशिश हो रही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी, अच्छा चूंकि PhD के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो एक अभी एक प्रोग्राम पर कोशिश कर रहे हैं काम करने की, और आशा है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आप सुनेंगे उसके बारे में, कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो विदेश में अपना शोध पत्र पढ़ने के लिए जाना चाहें तो उसके लिए कोई फाइनेंशियल एड का कुछ सिस्टम होना चाहिए, वो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए होगा, और थोड़ा लिबरल सिस्टम होगा। हम ये चाहते हैं, मैंने शायद ये बताया नहीं आपको, IIT कानपुर में 90% PhD स्टूडेंट्स एक बार विदेश जाते थे, एक बार कम से कम 90%, और 35% PhD स्टूडेंट्स कम से कम एक सेमेस्टर विदेश में रिसर्च करके आते थे PhD लेने से पहले, और करीब 40% BTech स्टूडेंट एक गर्मियों में विदेश रह के आते थे, और ये सब फुल्ली फंडेड था क्योंकि हमने कुछ यूनिवर्सिटीज, विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया था, कुछ हमने डोनेशन से इकट्ठी की थी, कुछ स्कॉलरशिप से इकट्ठी की थी। तो कोशिश हो रही है कि उस दिशा में थोड़ा बढ़ा जाए, हमारे स्टूडेंट्स को देश दुनिया में बाहर निकलने का, अब हमारा कोई शोध छात्र है और उसकी कोई अच्छी फैसिलिटी नागपुर में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, मद्रास में है, वहाँ जाना चाहता है 3 महीने के लिए, हम उसको फंड कर सकें, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी मौका मिले, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ
अपना तैयारी करें और छोटी चीजों में ना फंसे रहें। देखिए जो छोटी चीजें होती हैं ना बहुत आसान होती हैं, मेरे लिए भी वो छोटी चीज़ बड़ी आसान होती है कि मैं छोटी बात, दो लोगों में लड़ाई हो रही है, मैं उसमें कूद जाऊं बीच और उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा, इन दो लोगों का झगड़ा खत्म कर दिया, बट वो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो कोई और भी सॉल्व कर सकता है। पर मेरी कोशिश है कि मैं किसी से 50 करोड़ रुपये लेके आऊँ जो मैं मेरे छात्र टीचर्स के लिए काम आए है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग बड़े काम करें और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो भी बड़ा दृष्टिकोण रखें और महत्वाकांक्षा हो अच्छा काम करने की, कमज़ोर नहीं रहने की, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और नेगेटिविटी की तरफ से थोड़ा सा उदासीन होना जरूरी है। हर चीज़ में नेगेटिव देखें, हर चीज़ में कोई साजिश हो रही है, हर चीज़ में कोई खराब हमारे खिलाफ सोच रहा है, उस सब से सोचने से दिमाग ही खराब होता है, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है ना। और ये सब कहने के बाद यही कहूँगा कि मेरा पूरा कोशिश और पूरा मेरा कमिटमेंट है कि इस विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए जो जो भी संभव हो वो हम करेंगे। लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को सामने रखना होगा, लेकिन उन लिमिटेशन के बावजूद जितना भी संभव होगा वो सब हम करेंगे, ये हमारा वादा है। और कम्युनिकेशन में कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन बनता रहे, बातें होती रहें। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon, Honorable Vice Chancellor Sir, and all respected teachers who are present here. And very good afternoon to my colleagues, my and the PhD scholars and PG students of this university. Actually, we are collecting the questions from the students, and so many questions we got. And we selected approx 4 to 5 or approx even say 10 questions, and many of them sir already answered that. So now we have is just 2 or 3 questions. So that's why sir, this is my question also. As here there are lots of PhD scholars are here, and I also got so many cheats on which they are written that how we can reduce our stress during PhD. Because we have to concern with lots of things like we have to take care of lots of things, guide, lab, instrument facility, even central office. We have to go every time, visit every central office staff to ask where is the paper of my fellowship, and these things. So just these are aids in our PhD, and just because of these extra noises we could not concentrate completely on our PhD. So this is my question, how we can reduce this stress from our PhD. So aapke question ke 2 part hain. Ek hai ki kaise hame central office mein apni fellowship ke liye nahi jana hoga. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल ऑफिस में अपनी फेलोशिप के लिए गए हैं? ठीक हाँ, ऑलराइट। आप सब लोग आज मेरे सामने शपथ खाएं कि अपनी फेलोशिप के लिए सेंट्रल ऑफिस नहीं जाएंगे, और अगर आप ये करेंगे तो सेंट्रल ऑफिस से फेलोशिप आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस का जो बाबू है वो ही सोचता है कि जिसको जरूरत है वो आ ही जाएगा, है ना? ऐसा करें। हाँ, बिल्कुल, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, वन साइडेड नहीं होगा। तो हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं नीमा साहब, आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दीजिए, phdfellowship@bhu.ac.in, संजय कुमार से कहिए, जिसकी भी पीएचडी की शिकायत फेलोशिप की है वो phdfellowship@bhu.ac.in पर शिकायत करेगा, ठीक, और साहब उसको फॉलो करेंगे, और साहब की नहीं सुनेंगे तो मैं फॉलो करूंगा, ठीक है ना, होगा, चलेगा। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी, देखिए, अगर आपकी फेलोशिप में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आपकी अटेंडेंस नहीं है,
आपका सुपरवाइजर ने रिकमेंडेशन नहीं दी, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आपका केस क्लीन है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां पर आए, उसको हम करें, ठीक है ना? ये बात ठीक है, डील? कल से सेंट्रल ऑफिस बंद? चलो चलो, आर यू हैप्पी? कौन था आप पूछ रही थी? द सेकंड पार्ट सर, हाउ वी कैन रिड्यूस आवर पीएचडी स्ट्रेस? हाउ कैन यू रिड्यूस योर पीएचडी स्ट्रेस? आप में से पीएचडी का स्ट्रेस कितने लोगों के ऊपर है? कितने लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं है? जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, वो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपकी असली पीएचडी नहीं है फिर। पीएचडी का नाम ही स्ट्रेस है मेरे दोस्त, बिना स्ट्रेस के पीएचडी नहीं होगी। मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताऊं, मैं 24 साल का था जब मुझे पीएचडी मिली, और मैंने आपको बताया कि अमेरिका गया तो इंग्लिश पढ़नी, इंग्लिश सुननी नहीं आती थी, पढ़नी आती थी, इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। और मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर ने कहा ये लाइब्रेरी है और इसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक ढूंढ लो जिसपे पीएचडी करनी है। तो अगले 6 महीने तक मैं सुबह से शाम तक पीएचडी की टॉपिक ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आर्टिकल्स पढ़ता था, 6 महीने तक, सुबह से शाम तक। और मेरे जब दोस्त मुझसे पूछते थे कि किस टॉपिक पर पीएचडी कर रहे हो, तो मैं कहता था मैं पीएचडी टॉपिक ढूंढ रहा हूं, तो वो सब मेरे ऊपर हंसते थे कि यार ये तो लगता है रुड़की से आया है, बेवकूफ है, क्योंकि रुड़की से आते नहीं थे लोग अमेरिका में पढ़ने के लिए, बहुत कमाते थे, सब आईआईटी से आते थे, तो लोग यार ये तो पैदल है, इसकी इसके पीएचडी एचडी करनी नहीं है, है ना? तो 6 महीने बाद हम प्रोफेसर साहब के पास गए, बोले क्या? मैंने कहा साहब ये 6 टॉपिक के बारे में कुछ सोच रहा हूं, बताओ। तो जब 6 टॉपिक के बारे में बताना शुरू किया तो समझ में आ गया कि 4 टॉपिक तो बिल्कुल पैदल है, उसमें कोई जान नहीं है। तो मैंने कहा साहब ये 2 टॉपिक थोड़े बेटर लग रहे हैं, बात करते करते आपसे ऐसा लग रहा है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा इन 2 के बारे में सोच के फिर से आता हूँ। बोले आइए। तो फिर 1 महीने बाद मैं गया, उन 2 के बारे में बात करनी शुरू की, तो मैंने कहा इसमें से 1 में जान नहीं लग रही, 1 ठीक लग रहा है। बोले हाँ मुझे भी यही लग रहा है। और उसके 1 महीने बाद हमने जाकर के एक राइटअप उनको दे दिया कि हमने कुछ काम किया, इसको देख लीजिए, हम देखेंगे। वो बहुत बिजी थे, देखा नहीं उन्होंने। 15 दिन बाद गए, दूसरा राइटअप दे दिया। मैंने कहा उसको भी देखना है और ये उसको भी देखना है। बोले हाँ देख लेंगे, आप काम करो। तीसरा दिया, बोले हाँ देखेंगे। तो इस तरह से 5 राइटअप जब दे दिए, और पहला भी राइटअप वापस नहीं आया था तब तक, तो बोले काम अच्छा कर रहे हो, अब लिख डालो पीएचडी, हो गई। देखिए देखिए, वो एक अलग बात है कि लिखने में 1 साल लगा, क्योंकि अंग्रेजी लिखनी नहीं आती थी। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अंग्रेजी लिखनी नहीं आती थी, 1 साल लगा मुझे पीएचडी लिखने में। जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसके बाद 1 साल लगा मुझे लिखने में, मुझे अंग्रेजी लिखनी नहीं आती थी, ठीक है ना? तो देखिए थोड़ा स्ट्रेस तो होगा, और वो जो स्ट्रेस था मेरा 6 महीने जब मेरे पास कोई थीसिस टॉपिक नहीं था, उससे बढ़िया ट्रेनिंग मेरी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके खूब पढ़ा, समुद्र में गोता लगा रहे हैं मोती ढूंढने के लिए कि किस टॉपिक पर रिसर्च हो सकती है। इसी तरह से जब इक्विपमेंट खराब हो जाए, जब कोई आर्टिकल के लिए भाग दौड़ करनी पड़े, ये भी एक अच्छी ट्रेनिंग है, उसको एक अच्छे तरीके से लीजिए। और थोड़ा हेल्दी स्ट्रेस होना चाहिए, अनहेल्दी स्ट्रेस खराब है। इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि आप पैरालाइज हो जाएं, काम नहीं कर पाएं, नर्वस हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा दिल में भय तो होना चाहिए कि पीएचडी नहीं होगी तो निकाल दिए जाएंगे, है ना? और बिना पीएचडी के जाना पड़ेगा देश। हमें तो ये डर था कि हम विदेश में पढ़ रहे हैं, माँ बाप की नाक कट जाएगी अगर बिना पीएचडी के घर गए वापस, तो है ना? तो ये होना चाहिए। चलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड नून, पार्डन, I am Jay Singh from Institute of Agricultural Sciences. Sir, there is a question for among the students that what is our strategy for the integrated MSc and PhD program in our university? Integrated MSc plus PhD का हमारा क्या plan है? Frankly, मुझे पता नहीं है क्या plan है, पर इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए, विचार करेंगे और आगे सोचेंगे क्या। A very good evening, sir. Myself, Shruti Mishra. I'm from Institute of Agricultural Sciences, BHU.
So, sir, this question, more than 80% students have asked this question, and this is a very basic thing, not only from the sides of BHU campus students, but also RGSC South campus. They are asking that the prices of food charge, that is mess bill, is increasing, but the nutritional quality is deteriorating. So, what is your strategy to tackle this problem? देखिए हॉस्टल में जो फूड है वो बड़ा सेंसिटिव मामला है, ठीक है ना। जब भी कोई स्टूडेंट हॉस्टल में रहने आता है तो दो चीजों से कभी खुश नहीं होगा। वो दो चीजें क्या हैं? हाँ, एक तो आप समझ गए फूड, और दूसरी चीज राइट। दो चीजों से कोई छात्र मेरे टाइम में भी खुश नहीं था, आज का भी नहीं होगा। एक तो खाना, क्योंकि मम्मी से बढ़िया तो खाना कोई दे नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात डॉक्टर और हॉस्पिटल, क्योंकि जब बुखार होता है तो जिस तरह से माँ परवाह करती है आपकी, वो तो हॉस्पिटल में नहीं हो सकती। तो जब आपको बुखार होता है तो आपको लगता है यहाँ का डॉक्टर उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे गाँव में, हमारे शहर में डॉक्टर था। ऐसा मेरा भी मानना है, जब मैं स्टूडेंट था मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि खाने के चार्ज तो बढ़ेंगे, जब महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। एक रैशनल बढ़ाई जो बढ़ना है रैशनल तरीके से, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जितने रुपए का खाना 10 साल पहले मिलता था उतना ही आज मिलना चाहिए, वो संभव नहीं है, कोई तरीका नहीं है उसका, ठीक है ना। लेकिन उतने पैसे में क्या हम बेटर खाना मिल सकता है, इसके विषय में बात करनी चाहिए। इसके विषय में वार्डन्स और स्टूडेंट्स को मिल करके काम करना होगा कि किस तरह से हम अपने मेस को बेटर चलाएं और उतने ही पैसे में मोर न्यूट्रिशन, बेटर फूड, लेस वेस्टेज, इन सबको मिलकर के करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट होगा, ये वाइस चांसलर या डीन ऑफ स्टूडेंट या हॉस्टल कोऑर्डिनेटर अकेला नहीं कर पाएगा। इसमें छात्र छात्राओं की भागीदारी होनी चाहिए, वार्डन्स की होनी चाहिए, और जो मदद हम, जैसे अभी डीन ऑफ, हमारे नए डीन ऑफ स्टूडेंट आए मेरे पास, बोले साहब हमारे बहुत सारे हॉस्टल्स में का सिलेंडर यूज होता है, ठीक है ना। अब वो गैस का सिलेंडर तो महंगा है, पाइप गैस क्यों नहीं हो सकती? तो हमने कहा पाइप गैस लगानी शुरू करिए। तो अगर हम गैस के सिलेंडर को पाइप से कनेक्ट कर दें तो हमारा शायद खर्चा थोड़ा बचेगा। वो जो बचेगा उससे हम थोड़ा कहीं पर दाल में या पनीर में कहीं बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको देखना होगा कि हमारी एफिशिएंसीज कहां पर हैं और उनको हम कैसे लाएं एफिशिएंसीज को। तो इस तरह से कोशिश करनी होगी, सबको मिलकर करनी होगी, सब साथ में। चलिए, थैंक यू सर। सर वन मोर क्वेश्चन। सर एज यू हैव स्टार्टेड दिस फेलोशिप टीच फॉर बीएचयू फेलोशिप, सर सम पीएचडी स्कॉलर्स आर आस्किंग इज देयर एनी स्कोप टू स्टार्ट समथिंग लाइक एज वी सी इन आईआईटीज, यू आर आल्सो रिलेटेड टू आईआईटीज, सो इज देयर एनी स्कोप टू स्टार्ट सम टीचिंग असिस्टेंट जॉब विद स्टाइपेंड व्हाइल डूइंग पीएचडी? बहुत अच्छा। अभी हमारे रजिस्ट्रार साहब और हमारे कोशिश कर रहे हैं कि दिशा में थोड़ा आगे बढ़ा जाए। जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से चाहते हैं कि हमारे जो हॉस्टल्स हैं उन हॉस्टल्स में मान लीजिए 200 लड़कियां रह रही हैं एक हॉस्टल में, तो क्या हम 200 हॉस्टल की 200 लड़कियों में से 2 या 3 या 4 लड़कियों को सेलेक्ट करें केयरफुली जिनमें वो क्वालिटीज हों जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई, और उनको हम ये कहें कि शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर अगर कोई भी परेशानी हो तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर किसी लड़की को बाहर जाना है अंदर आना है तो आपसे परमिशन लेगी, और उसके बदले में हम उनको एक मंथली स्टाइपेंड दें, मंथली फेलोशिप दें, मंथली ऑनरेरियम दें। इसी तरह का हम पीएचडी स्टूडेंट्स को क्लास में या और जगहों पर यूज कर सकें। ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको करना चाहिए, इस पर और काम करेंगे। अभी हमारे रजिस्ट्रार साहब और डीन साहब मिलकर के अभी 2 या 3 हॉस्टल में कोशिश कर रहे हैं कि एक अनुभव, ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। मान लीजिए उन्होंने शुरू किया 2 हॉस्टल में और वो दोनों हॉस्टल में जो लड़कियों को सेलेक्ट किया उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया तो स्कीम खत्म हो जाएगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी। पर उन दोनों में हॉस्टल में अच्छा अनुभव रहा तो हम कहेंगे अब 6 में और करो, और फिर 8 में अच्छा रहेगा तो हम कहेंगे बाकी सब में कर दो। तो धीरे धीरे इसको करेंगे, और ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको हम किसी भी तरह से एंगेज करें और एक्स्ट्रा फेलोशिप। ओके, थैंक यू सर।
good afternoon to one and all present here. Sir, there is a request from most of the students, sir, to increase the sitting space in Central Library and to extend the reading hour span in Central Library, sir. बिल्कुल ठीक है. सेंट्रल लाइब्रेरी में रीडिंग आवर्स तो काफी बढ़ा दी. रीडिंग आवर्स, स्टडी आवर्स नहीं. नहीं, स्टडी आवर्स तो कितने, 8 से 5 है, 8 AM to 5 PM है. 8 AM से 5 AM तक है. सेंट्रल में नहीं है, सेंट्रल में भी बढ़ाना चाहिए. 9 बजे से. अच्छा, देखिए लाइब्रेरियन साहब क्या कह रहे हैं कि मेन लाइब्रेरी में सुबह के 8 बजे से रात के 9 बजे तक है और साइबर में सुबह के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक है. मेरा ख्याल है काफी है, इसको और बढ़ाना है तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. पर उससे ज्यादा जरूरी जो कुछ और है जो मेरे दिमाग में है कि जो हमारी फैकल्टीज हैं उसमें जो लाइब्रेरी है, एग्रीकल्चर में, लॉ में, मेडिकल साइंस में, MMV में, उनके घंटों को रैशनलाइज करना पड़ेगा. अभी क्या होता है, अभी क्या होता है कि वो सुबह 10 बजे खुलती हैं, 5 बजे बंद हो जाती हैं. लेकिन कोई भी स्टूडेंट 10 बजे लाइब्रेरी में जाएगा मुझे उसकी उम्मीद नहीं है. तो अगर हम उसको 10 बजे की जगह 12 बजे खोलें और शाम को 7-8 बजे तक चलाएं तो जो हमारा कर्मचारी है उसके उतने ही घंटे लगेंगे, हमें एक्स्ट्रा कर्मचारी नहीं लगाने पड़ेंगे और हमारी लाइब्रेरी ज़्यादा देर तक चल सकेगी, है ना. तो इस तरह के कुछ अनुभव हमें करने चाहिए. और उसके अलावा जो हमारे हॉस्टल्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, उन हॉस्टल्स में भी थोड़ी पढ़ने की व्यवस्था की जाए. कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लड़कियों के हॉस्टल शुरू करते हैं क्योंकि उनको रात को लाइब्रेरी में जाने में और आने में ज़्यादा दिक्कत है, तो प्रेफरेंस लड़कियों को देना ज़रूरी है. तो लड़कियों के हॉस्टल में कुछ हम कमरों में रीडिंग रूम बनाएं जहाँ पर कि कंप्यूटर हो, फर्नीचर हो, और जो व्यवस्था साइबर लाइब्रेरी मिलती है वो व्यवस्था उनको लड़कियों के हॉस्टल में मिल पाए, तो इस तरह सीट बढ़ जाएगी थोड़ी. सर, ये क्वेश्चन है फ्रॉम शोध छात्र दर्शन एवं धर्म विभाग से. इन्होंने बोला है कि इनका ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए. सो इनका क्वेश्चन है कि सिटी डेलीगेसी के नवीन भवन को छात्रों के अध्ययन के लिए खोला जाए. खुला नहीं है, ठीक है. और केंद्रीय ग्रंथालय में पुरानी पुस्तकों की जगह नवीन एवं विविध विषयों की अपडेट पुस्तकें मंगाई जाएं. दोनों सुझाव बहुत अच्छे हैं. मेरा ख्याल है कि इस बार लाइब्रेरी का बजट किताबों का बढ़ाया गया था मेरे ख्याल से, तो नई किताबें आएंगी. पर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो अपने फैकल्टी में जो लाइब्रेरी के प्रोफेसर होंगे उनको दे दीजिए. और सिटी डेलीगेसी की जो नई बिल्डिंग है उसके बारे में भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. चलो. एंड सर, विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट है कि उनको प्रैक्टिस के लिए सुटेबल पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो उसके लिए उनके लिए एक सेपरेट क्लासरूम्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो पीसफुली वहाँ पे रियाज कर सके. ऑल राइट. There is a one more question for yoga pursuing students. They want to request you to make a yoga department separate because it is with some anatomy in BHU campus. So they want to make a different department for yoga. Undergraduate वाले कहाँ questions? ये तो yoga department तो professor वाला सवाल है. सर, ये क्वेश्चन आई थिंक बिरला हॉस्टल के स्टूडेंट्स का है. श्रीमान, बिरला हॉस्टल पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए. रूम में छत व दीवार की सीमेंट गिरती रहती है, आंखें खराब हो जाएंगी, पढ़ेंगे कैसे? मेरा ख्याल है ये बिरला की नहीं, काफी हॉस्टल्स की दिशा काफी खराब है, इस पर काम करना होगा.